इस सवाल में आपको दे रखा है कि एक आदमी वॉक करता है हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, और इसको रेन आगे स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपसे वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा गया है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोल दूं, मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 5 i कैप। आपको दे रखा है कि जो रेन है वो वर्टिकली गिरती है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा, मान लेते हैं इसकी वैल्यू यू है, तो माइनस यू जे कैप। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस यू जे कैप माइनस 5 i कैप। आपको कहा गया है ये जो वेलोसिटी है इट इज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बराबर है। तो क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बराबर होने से हम क्या बोल सकते हैं, यू इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड्स। ये आपका आंसर है।